14 फरवरी को है। जी हाँ, बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी बहुत ही शुभ योगों में बन रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये जो यंत्र मैं आपको जो है दिया है, ये यंत्र अपने बच्चों की एजुकेशन में बहुत काम आएगा। एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के बहुत काम आएगा। जो लोग भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया यंत्र है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने प्लेन पेपर पर लिखकर रेड कलर के स्केच पेन से इसको लेमिनेट करवाकर अपने पास रखना है। इससे बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत बढ़ेगी। और साथ ही साथ में बसंत पंचमी पर आपने क्या करना है, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स आपने जो है, या मैरीगोल्ड के ना मिले तो कोई भी पीले रंग के फ्लावर्स जो है आपने कहीं पर भी किसी बगीचे में यानी कि पार्क में आपको लगाने हैं। और साथ ही साथ में पीले रंग की मिठाई आपने माँ सरस्वती के आगे जो है चढ़ाकर आनी है, और नीले रंग का फूल चढ़ाकर आना है। आपको पता है ना कि माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी होती है, विजडम की देवी होती है, और जो राहु को प्रतीक करती है, जो बुध को प्रतीक करती है, उनको आप प्रसन्न करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं।